ये है टिकट काउंटर फॉर इंडियन, हमें 50 रुपीज़ पे करना होता है फॉर एडल्ट, एंड देन अंग्रेज़ों के पास भी गया। तो अब हम देख रहे हैं ये इसमें कई सारे गेट बने हुए हैं, ये इसका मेन गेट है जिसको ये क्लोज कर देते थे। उससे पहले वाला जो गेट था वो अमर थी कि ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसको हर जगह मिलेगा, जो जहांगीर महल है और शाहजहां ने जो बनवाया था वहाँ पर, जहांगीर महल पे यस ये बनवाया अकबर ने ही था अपने बेटे जहांगीर के लिए, पर बाद में जहांगीर ने भी अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करवाए थे। पॉन्ड सा बना रखा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो सारा पानी वहाँ पर चला जाता था। टेक्नोलॉजी थी। अब हम साजा महल में आ गए। अगर आपने मोहम्मद गजनवी की स्टोरी सुनी होगी जिसने सोमनाथ टैंक लग रहा है, अपना फोर्ट बहुत प्यारा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी गर्ल इन यूएस। तो गाइस, आज हमारा आगरा का फर्स्ट डे है, पर हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। अब शाम हो चुकी है, पहले हम गए थे फतेहपुर सीकरी, फिर हमने अपने होटल में चेक इन किया, उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी होंगी। आई होप आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को भी ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आगरा फोर्ट में भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर चलते हैं आगरा फोर्ट। 50 रुपीज़ में ऑटो किया है 3 सवारी के लिए और अब हम आगरा फोर्ट पहुंच जाएंगे आई थिंक इन 10 मिनट्स। ये है टिकट काउंटर फॉर इंडियन, हमें 50 रुपीज़ पे करना होता है फॉर एडल्ट। ये है आगरा फोर्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है आगरा फोर्ट जिसपे बहुत सारी डायनेस्टीज ने राज किया है। सबसे पहले सूर एम्पायर, लोधी डायनेस्टी, एंड देन उसके बाद मुगल एम्पायर ने इस पर कब्जा किया, जिसमें बाबर, हुमायूं एंड अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी इसमें रहे हैं। फिर ये मराठों के पास भी गया एंड देन अंग्रेज़ों के पास भी गया। तो अब हम देख रहे हैं ये इसमें कई सारे गेट बने हुए हैं, ये इसका मेन गेट है जिसको ये क्लोज कर देते थे। उससे पहले वाला जो गेट था वो अमर गेट था और जो सबसे मेन गेट था, एंड देन इसमें कई सारे गेट बनाए जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, और आप देखेंगे हर जगह पे गेट ही गेट आपको मिलेंगे। गाइस, अब जो नीचे देख रहे हैं ये इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ पे अगर घोड़े आते थे तो उसकी आवाज़ पहले इन्हें आप पता चल जाती थी, क्योंकि वो टप 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 आवाज़ गूंजती थी, तो कोई भी दुश्मन अगर अदर एंटर करता था तो पहले ही पता चल जाता था। और ऊपर से यू नो बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए जाते थे ताकि वो उनको वहीं पर दबा दें। जो मतलब 70% मिलिट्री को दिया हुआ है, पहले भी अकबर की मिलिट्री रहती है, अब वो हमारी आर्मी को दे रखा है, सिर्फ 25% ओपन है पब्लिक के लिए, तो वही हम देखने वाले हैं। दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं कि बंदा कोई कूद नहीं सकता है। ये दीवार आप देख सकते हैं इतनी ऊंची, और इसमें नालियां से भी बनी हुई है जिसमें ये तेल गरम गरम तेल फेंका करते थे ताकि दुश्मनों के यानी घोड़ों के पैर जल जाएं और वो आगे ना बढ़ पाए। तो गाइस, अब हम महल में एंट्री करने वाले हैं और आप देख सकते हैं सामने हमें महल दिख रहा है जो कि है जहांगीर महल और अकबर महल। जहांगीर महल भी अकबर ने ही बनाया था। नहीं, ये जहांगीर का टब है जहाँ पे बचपन में पैदा हुआ था ना, तो उसको नहलाते थी दासियाँ और फिर धीरे धीरे बड़े होकर खुद ही अपने मतलब काफ़ी टाइम तक उसने यूज किया। इतने बड़े टब में वो डूब जाए तो सीढ़ियाँ थी अंदर जाके, पूरा अंदर सीढ़ियाँ थी देखते हैं। तो गाइज, इस टब की एक ख़ास बात ये थी कि ये जो सीढ़ी बनी हुई है एक ही सिंगल पत्थर की है, इसको तोड़ा हुआ है या कोई बनाया नहीं गया है, और ये टब अंदर था पहले महल के, अब बस बाहर रखा हुआ है शो के लिए। और आप देख रहे हैं सामने पूरा जो ये एरिया है ये अस्तबल था, घोड़े रखे जाते थे, आप देख सकते कितने घोड़े थे। तो गाइज, ये अकबर का बंगाली महल है, इसने बहुत ही प्यार से महल बनाया था अपनी रानियों को रखने के लिए। 5,000 यहाँ पे स्त्रियाँ रहती थी इसके हरम में, उन सब के लिए अलग से इसने स्पेशल रूम्स बनाए थे, और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है वो हम देखेंगे। पूरा गांव बता महल का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है
बाबर हुमायूं के टाइम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जालियाँ बनी हुई है जहाँ से सीधा ताजमहल का व्यू आता है, और ये आपको हर जगह मिलेगा जो जहांगीर महल है और शाहजहाँ ने जो बनवाया था वहाँ पे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से साफ ताजमहल और यमुना नदी के नज़ारे दिख रहे हैं। अकबर की बंगाली महल का एंटरटेनमेंट एरिया जहाँ पे यू नो उनकी रानियों के रूम थे, अकबर का बेडरूम था और डांस वांस करते थे यहाँ पर। अब हम चलते हैं जहांगीर महल पे। यस, ये बनवाया अकबर ने ही था अपने बेटे जहांगीर के लिए, पर बाद में जहांगीर ने भी अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करवाए थे। घुसते ही ये बैठक बनी हुई है, मैंने ये सब राजस्थान में बहुत देखा है इस टाइप से। और आप देख सकते हैं राजस्थान के अगर महल देखेंगे, हवेलियाँ देखेंगे, तो उस टाइप का सिटिंग स्ट्रक्चर होता है। और अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं। जहांगीर महल का एंटरटेनमेंट एरिया, यस यहाँ पे यू नो डांस हुआ करते थे, राजा ऊपर से बैठ के सब एंटरटेनमेंट देखते थे और रानियाँ भी यहाँ सब झरोके से झांकती थी। उनके सबके रूम्स थे यहाँ पर, और जहांगीर का राइट साइड में रूम था जो कि दरवाजे नहीं थे, पहले पर्दे यूज़ होते थे रूम्स में, अब देख सकते हैं। और अब जो इसी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल यू नो जैसे मंदिरों में कलाकारी होती है बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अकबर ने बनवाया था कहते हैं, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा हिंदू कल्चर से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है। और इसके जो लेफ्ट साइड में जहांगीर का डाइनिंग एरिया था और ये राइट साइड में बेडरूम था, तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया था बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो गाइस ये जहांगीर की लाइब्रेरी थी, चारों तरफ बुक्स रखी हुई थी और यू नो जहांगीर काफ़ी पढ़ा लिखा था, अकबर अनपढ़ था लेकिन जहांगीर ने काफ़ी पढ़ाई की। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। गाइज अभी देख सकते हैं ओपन एरिया है और यहाँ पे गेस्ट रूम्स बने हुए हैं, जो भी गेस्ट आते थे उनको यहाँ पे रुकवाते थे, और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी थे और यहाँ पे रूम्स बने हो नेचुरल एसी रूम थे, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो बारिश का पानी होता था वो ड्रेन होके नीचे चला जाता था, ताकि नीचे जो उन्होंने मगरमच्छ के लिए पॉन्ड सा बना रखा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो सारा पानी वहाँ पर चला जाता था। अब हम चलते हैं शाहजहानी महल, यस जो कि शाहजहाँ ने अपने हिसाब से बनाया था। ऑब्वियसली उसको वाइट पत्थर बहुत पसंद था, तो उसने अपने महल में वाइट पत्थर बहुत यूज़ किया था। जिन एसी रूम्स की मैं बात कर रही थी वो एसी रूम्स यही हैं, आप देख सकते हैं इसमें चाहे आप गर्मियों में और सर्दियों में हमेशा आपको ठंडा मिलेगा। ये मुल्तानी मिट्टी से रूम बने हुए हैं जो कि पानी को सोख लेती है, मॉइस्चर को सोख लेती है, और यू नो ऊपर से पानी छोड़ा जाता था और ये पानी को सोख लेती थी। और फिर एक एयर वेंटिलेशन बनाया हुआ था जो आप देख सकते हैं ऊपर से लग रहा है खुला है लेकिन आप बाहर से देखेंगे तो वो बंद लगता है। इस तरीके से एयर वेंटिलेशन से वो जो ठंडक पूरे कमरे में फैल जाती थी, ये एक नेचुरल एसी था, बहुत ही अच्छी यूनिक टेक्नोलॉजी थी। अब हम शाहजहाँ महल में आ गए। अगर आपने मोहम्मद गजनवी की स्टोरी सुनी होगी जिसने सोमनाथ टेंपल को तोड़ा था, तो सोमनाथ टेंपल का ये गेट है जो पूरा चंदन का बना हुआ है वो यहीं पे रखा हुआ है, वो उसने यहाँ शाहजहाँ को गिफ्ट कर दिया था। और देखो शाहजहाँ ने इसे रखा हुआ था और ये अभी तक रखा हुआ है हमारी निशानी सोमनाथ टेंपल की। ये शाहजहाँ का बनाया हुआ महल है जो कि पूरा वाइट पत्थर से बना हुआ है,
और आप जो सामने देख रहे हैं ये बेसिकली अपनी बेटी के लिए शाहजहाँ ने रोशनारा दो बेटियां थी उनके लिए ये ऐसा बनवाया था। और ये पूरा ऊपर से गोल्ड था, रियल गोल्ड था, जो कि बाद में अंग्रेज इसे लूट के ले गए थे और नकली यू नो गोल्ड लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली अपनी बेटी को उसने गिफ्ट किया था। ये आप सामने देख रहे हैं ये सिक्योरिटी थी या किले के बाहर आप देख रहे हैं वो एक पॉन्ड था, पहले उसमें मगरमच्छ थे और जो ये अंदर जंगल एरिया बनाया था जहाँ के जंगली जानवर थे। और बीच में जो आप छेद देख रहे हैं यहाँ पर ये सैनिक बिठाते थे तीरों के साथ। तो बेसिकली 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी थी कोई भी महल से पहले पहुँचने तक। कैसा लग रहा है फोर्ट? बहुत प्यारा लग रहा है, मन नहीं कर रहा ना यहाँ से जाने का, उड़ रही है। हाँ देख तो गई ये खास महल है जहाँ पे यू नो राजा की बेटियाँ रहती थी और रानियाँ भी रहती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ कैसा है खास महल पूरा। ये यू नो कीमती मोतियों से कीमती पत्थरों का काम था इस पर। अभी ये ऑब्वियसली आप नहीं देख पाएंगे बिकॉज ये सब लूट के ले गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो कलाकारी देख रहे हैं जो डिज़ाइंस बने हुए प्योर गोल्ड से बने हुए थे और अंग्रेज़ों ने इसका गोल्ड पिघला के सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन रह गया है, वरना ये पूरा डिज़ाइन फुल गोल्ड से बना हुआ था। आप देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कुछ कुछ गोल्ड की निशानी रह भी गई है, अदरवाइज अगर पहले अगर हम प्रॉपर गोल्ड के साथ होता तो और भी सुंदर लगता, ये चमकता था रात में बिल्कुल शाइन करता था। देखिए कितना सुंदर है और पता नहीं क्यों अंग्रेज़ लूट के ले गए, अदरवाइज़ ये एक अलग ही चीज़ होती देखने के लिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस ये फाउंटेन है और आप सोच सकते हैं उस टाइम कोई पंप सिस्टम नहीं था, तब ये फाउंटेन से पानी आता था, बेसिकली प्रेशर दिया जाता था ऊपर काफ़ी सारे तालाब, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के वहाँ से पानी निकलता था, ये नेचुरल फाउंटेन। सोच सकते हैं उस ज़माने में हम जो कभी नो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं उस टाइम ये लोग क्या लाइफ जीते थे, अंगूरों की खेती होती थी, वाइन बनाते थे, यू नो ऊपर फाउंटेन चलते थे, रोज़ वाटर से भी चलते थे, ये वाटरफॉल थी नेचुरल वाटरफॉल बना रखी थी, ऊपर से सारा पानी गिरता था और बेसिकली ये अंगूरी बाग था, चारों तरफ अंगूर थे, गोल्ड हीरे मोती जड़े हुए घर पे यू नो चमकता था रात में और एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था हर जगह, फाउंटेन पानी बाग बगीचे। आप देख सकते हैं कितने रूम्स हैं, कितना बड़ा एरिया बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता होगा ये, अभी इतना प्यारा लग रहा है, इतने सालों बाद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। गाइस पीछे अब हम शाहजहाँ का दरबार देखने वाले हैं जहाँ पर शाहजहाँ बैठ के अपने वजीरों अपने सलाहकारों के साथ डिस्कशन होते थे, जहाँ दरबार चलता था, जहाँ प्रजा की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था, जहाँ से वो राज चलाते थे, वो हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वजीर बैठते थे जो हमने फ़तेहपुर सीकरी में देखा है, पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा है ये दरबार फ़तेहपुर सीकरी, तो इसके आगे कुछ नहीं है। देख सकते हैं कितना बड़ा दरबार है। गाइस ये है रियल दरबार और रियल सिंहासन। एक्चुअली हम मूवीज़ में कुछ डिफरेंट देखते हैं बट रियल में ऐसे सिंहासन होते थे इतने बड़े बड़े तख्त के, अलग ही फीलिंग आ रही है यू नो, रियलिटी में देखने की बात ही अलग होती है। इसलिए गाइस ये ज़रूर आपको विज़िट करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है हिस्ट्री का और आप देखते हैं कि पहले राजा लोग कैसे रहते थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ जी है, वो ये हम एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर। तब मैं आपको लेके चलती हूँ दीवाने खास, यानी जहाँ पे राजा अपनी रानियों के साथ रहते थे, वो दरबार पूरा मैं दिखा रही हूँ अंदर जो यू नो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे और अपनी रानियों के साथ रहते थे, वो है दीवाने खास जो कि बिल्कुल सिंहासन है, उसी के जस्ट पीछे सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर ये पूरा एरिया है। आप देख सकते कितना बड़ा एरिया था, क्योंकि हम सिर्फ 25% देख रहे हैं इस आगरा महल का, टोटल 75% एरिया तो अभी इंडियन आर्मी के पास है, हम यही नहीं ख़त्म हो रहा। आप देख सकते हैं कितने रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे इनका स्नान घर था, पूरा स्पा था और यू नो बहुत सारे रूम्स थे।
है शीश महल जो कि बिल्कुल बंद किया हुआ है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे नाम लिखना और खुरचना शुरू कर दिया था, इसलिए अब हम नहीं देख पाएंगे गाइज, इसलिए आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से, अदरवाइज यू नो सब चीज़ें हमारे लिए बंद हो जाएंगी। अभी सामने देख रहे हैं ये भी गोल्ड स्ट्रक्चर है जो रियल गोल्ड था, लेकिन अब ये रियल गोल्ड नहीं है, पूरा शीश महल का ही पार्ट है। तो बेसिकली ये मेन एरिया है जहाँ पे राजा रहते थे, और यहाँ से भी ताजमहल का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और ये एक ब्लैक कलर का सिंहासन यहाँ भी रखा हुआ है जो थोड़ा सा टूट गया है, और एक वाइट कलर का सिंहासन यहाँ पे रखा हुआ है, यानी यहाँ से भी राजा ऑर्डर देते थे। अमर गेट जो आप देख सकते हैं चेन का गेट, हमने मूवीज़ में देखा है ये बंद हो जाता था लकड़ी के गेट के बाद, जिससे ज़्यादा सिक्योर हो जाता था गेट। तो ये है आगरा फोर्ट का पूरा टोटल व्लॉग। तो गाइज ये था आगरा फोर्ट, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो में आपके लिए ऐसे लाती रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।